हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शिनोबी और आज हम बात करने वाले हैं सोनी के WF-1000 XM5 ईयरबड्स के बारे में। इन्हें जो है मैं अराउंड 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जो यूज कर रहा हूँ और इनका नाम जितना बड़ा है इनका फीचर लिस्ट उतना ही बड़ा है। आज हम करने वाले हैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू और हम देखेंगे कि इफ दिस पर्टिकुलर ईयरबड इज वर्थ इट फॉर अराउंड 25,000 रुपीज जो इसका प्राइस है इंडिया में। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन मेक श्योर टू चेक टिल द एंड। With that said, let's get into the video. मुझे जो है इस ईयरबड को यूज़ करते हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। ये मुझे अगस्त में मिला था एंड अभी तक जो है मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ कज ये ईयरबड्स बहुत ही अच्छे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट कर लें तो इसका केस जो है वो कम्प्लीटली प्लास्टिक से बना हुआ है, एक मैट फिनिश प्लास्टिक है इसमें और हाथ में पकड़ने में काफ़ी अच्छा लगता है इसका पर्टिकुलर केस। एंड मुझे ये बीच वाला कलर मिला है, इसे जो है सिल्वर कलर कहते हैं सोनी, बट ये बहुत कम लाइटिंग में ही जो है सिल्वर दिखता है, मोस्टली आपका जो है थोड़ा वार्म कलर दिखता है। ये केस है कम्प्लीटली मैट है। केस के पीछे जो है आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए और एक बटन भी मिलता है पेयरिंग के लिए। एंड इसमें जो है आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है केस में और नीचे इसका फ्लैट है बेस जिससे कि आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो इसे। एंड सामने आपको एक नोटिफिकेशन LED मिल जाएगा जिससे कि आप इसका बैटरी स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो और पेयरिंग के लिए टाइम भी ये जो है काम में आता है। एंड इसका लिड भी जो है काफ़ी स्नैपी है, इसमें जो है आपको कोई भी डाउट नहीं हो कि इसका लिड काफ़ी स्टर्डी है, स्नैपी है। एंड इसे जो है आप एक हाथ से मतलब एक उंगली से भी खोल सकते हो ईजीली। ऐसे करके लिड काफ़ी स्नैपी है, काफ़ी सेटिस्फाइंग जो है स्नैप मिलता है आपको जब आप इसे ओपन या क्लोज करते हैं। ये था केस के बारे में और केस अंदर जो है आपको ये दो ईयरबड्स मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। सोनी ने इस बार डिज़ाइन पे काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके पहले जो ईयरबड्स थे काफ़ी बड़े हैं बट आप इन्हें जब इस केस से निकालते हो तो ये आपको जो है उतने बड़े ऐसे तो नहीं लगेंगे कम्पेयर टू द XM4s और XM3s तो जो है मैसिव थे, बट ये दोनों जो है ये काफ़ी आपके छोटे हैं, काफ़ी इजीली आपके कान में फिट हो जाते हैं एंड आप काफ़ी देर तक जो है इन्हें पहन के रख सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया फिट है इसमें और कान में जो है काफ़ी अच्छा लगता भी है देखने में, सो दैट इज़ प्रिटी नाइस। और इन्हें जो है आप कान में डालते ही इनका नॉइस कैंसिलेशन मोड किक इन हो जाता है। इनका नॉइस कैंसिलेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल है। जैसे ही आप इन्हें कान में डालते हो ये पावर ऑन हो जाते हैं और इनका नॉइस कैंसिलेशन किक इन होता है जिससे कि ऑलमोस्ट सब कुछ साइलेंट हो जाता है। ठीक है, इवन लाइक ह्यूमन नॉइजेस को ह्यूमन जो वॉइस है, ठीक है, आपसे अगर कोई बात बात कर रहे हैं फिर अगल बगल बहुत हल्ला हो रहा है उसे भी ये काफ़ी हद तक जो है कट कर देता है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे, इसका नॉइस कैंसिलेशन नेक्स्ट लेवल है, प्रॉब्ली द बेस्ट नॉइस कैंसिलेशन जो आपको मिलेगा ईयरबड्स में। आई थिंक बोस का जो क्वाइट कम्फर्ट सीरीज है उसका थोड़ा बेटर है बट ये भी काफ़ी अच्छे हैं। इनमें जो है आपको फोम ईयर टिप्स मिलते हैं, ठीक है, वो ईयर टिप्स मेरे कान में तो फिट होते नहीं है मैं इसके साथ जो है सिलिकॉन ईयर टिप्स यूज़ कर रहा हूँ। आपके साथ भी वो प्रॉब्लम हो सकते हैं कि फोम ईयर टिप्स आर नॉट फॉर एवरीवन, बट फोम ईयर टिप्स में बेटर आपको सीलिंग मिलती है, बेटर नॉइस कैंसिलेशन है, बट मुझे जो है सिलिकॉन ईयर टिप्स के साथ ही बेटर कंफर्ट मिला और बेटर साउंड क्वालिटी भी मिली एंड फॉर माय ईयर्स लाइक ANC वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट बेटर काम करता है सिलिकॉन ईयर टिप्स के साथ, बट सोनी ने सिलिकॉन ईयर टिप्स दिए नहीं। आपको 4 साइजेस मिल जाएंगे इसमें टिप्स के जो मेमोरी फोम ईयर टिप्स हैं एंड आपको एक USB केबल मिलता है इसे जो चार्ज करने के लिए एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा कुछ तो है नहीं। बस ये ध्यान रखेगा कि ढंग से फिट होते हैं, क्योंकि जो XM4s है वो भी मेरे कान में ढंग से नहीं फिट होते थे, XM3s तो बिल्कुल ही नहीं होते थे, बट ये काफ़ी लाइक सिलिकॉन ईयर टिप्स के साथ काफ़ी अच्छे फिट होते हैं और इनका ट्रांसपेरेंसी मोड भी अभी जो है काफ़ी बेटर हो गया है। इट्स नॉट दैट गुड बट या एयरपोर्ट लेवल के गुड नहीं है बट अभी काफ़ी बढ़िया हो चुका है XM4s के कंपेरिजन में। जो है ये आपका एक तो लोकेशन बेस्ड आपका है जिसमें आपका ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच होता है ये, ठीक है, अगर आपने वो ऑन कर रखा है तो वही ऑटोमेटिकली आप बैठे हुए हो या चल रहे हो उसके बेसिस पे
वो चेंज करेगा। अदरवाइज आप मैनुअली अगर करना चाहते हो तो आप टैप कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हो उसके लिए। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, ईयरबड्स में जो है आपको टैप कंट्रोल्स मिलते हैं, इसमें मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि दोनों ईयरबड्स में ही आपको जो है सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप और लाइक क्विक मल्टीपल टैप्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, एंड प्रेस एंड होल्ड का भी एक ऑप्शन। बट जो है आप लेफ्ट वाले ईयरबड पे, ठीक है, सिर्फ एक जो है सिंगल टैप ही इसे असाइन कर सकते हो और वो क्विक टैप जिसे कि वॉल्यूम डाउन होता है। तो ये दो चीज़ें ही हैं, बाकी सारे कंट्रोल्स फॉर सम रीज़न जो है बंद कर रखे हैं इन्होंने लेफ्ट वाले ईयरबड पे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। राइट वाले पे आपका जो है सिंगल टैप पे प्ले पॉज होता है, डबल टैप पे नेक्स्ट ट्रैक है, ट्रिपल टैप पे प्रीवियस ट्रैक है, प्रेस एंड होल्ड करने पे आपका गूगल असिस्टेंट ट्रिगर होता है, या फिर अगर आप एप्पल के साथ यूज़ कर रहे हो तो आपका सीरी ट्रिगर होगा, ठीक है, एंड मल्टीपल क्विक टैप करने से आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एंड लेफ्ट वाले पे आप सिंगल टैप करोगे तो ट्रांसपेरेंसी मोड में जाएगा, फिर सिंगल टैप करोगे तो आपका नॉइस कैंसिलेशन मोड में जाएगा, और जो मल्टीपल ट्रिपल टैप्स है उससे जो आपका वॉल्यूम डाउन होता है लेफ्ट वाले में। सो लेफ्ट वाले को आप जो कस्टमाइज वगैरह नहीं कर सकते हो, राइट वाले के कंट्रोल्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो बट उतना मतलब सीमलेस नहीं है। मेरे सेनाइजर के जो ईयरबड्स हैं उनमें आप दोनों सेट के कंट्रोल्स को कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, सो वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है उस ईयरबड का। बट इसमें मुझे वही चीज़ ख़राब लगती है कि आप अपने हिसाब से जो है सारे कंट्रोल्स कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स द थिंग अबाउट द बिल्ड एंड द ईयरबड कंट्रोल्स एंड स्टफ। अब अगली चीज़ ये है कि अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात कर ले तो साउंड क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है सोनी का। बाई डिफ़ॉल्ट आपका जो है वो थोड़ा BSAV वाला साउंड सिग्नेचर आपको मिलेगा, बट आप जो है सोनी का हेडफोन्स ऐप जो है उसमें जाके आप EQ सेट कर सकते हो अलग अलग, तो उससे क्या होगा कि आपका जो अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हो साउंड को। सो मैंने अपने हिसाब से ट्यून कर रखा है, बेस को थोड़ा कम किया, मिड्स को थोड़ा ऊपर किया, हाइज को थोड़ा ऊपर किया, क्योंकि मुझे उस तरह का साउंड पसंद है। सो आप वो कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो थोड़ा बेस हैवी साउंड आएगा, ठीक है, इसमें तो लो एंड में आपको पंच काफ़ी अच्छा मिलता है, जो बेस की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी, आपको बेस फील होता है। एंड आपको जब डायलॉग्स अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हो तो डायलॉग्स काफ़ी क्लियर है, लिरिक्स काफ़ी क्रिस्प आते हैं और बेस वगैरह जो है एक दूसरे के अंदर नहीं जाता है। आप जो है आपके मिड्स काफ़ी क्लियर आते हैं तो उसकी वजह से आपको लिरिक्स काफ़ी अच्छे सुनाई देते हैं, काफ़ी क्लियर सुनाई देते हैं, और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी जो है काफ़ी बढ़िया है इनका। एंड देन अगेन इनका जो है सराउंड साउंड एक्सपीरियंस भी जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें एक 360 डिग्री वाला फीचर है जो मैंने यूज़ नहीं किया ऑनेस्टली, वो काफ़ी गेमिकी टाइप है, सो आप उसे यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट या वो उतना कुछ खास नहीं है। बट हाँ, ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन काफ़ी अच्छा है, आपको सारी चीज़ें जिधर है उधर ही सुनाई देंगी और काफ़ी क्लियरली सुनाई देती है। हाइज में आपका जैसे गिटार स्ट्रिंग्स वगैरह हो गया वो काफ़ी क्लियरली सुनाई देता है, तो साउंड क्वालिटी ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। Not as good as like Sennheiser's का जो Momentum ईयरबड्स आते हैं वो उनके जितना अच्छा नहीं है, बट साउंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड फॉर द प्राइस। एंड आप जो है सोनी के हेडफोन्स ऐप में काफ़ी कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, इसका काफ़ी पावरफुल EQ आता है उसमें, सो वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि इनके ऐप में इतने सारे फीचर्स हैं। बट ऐप का UI वगैरह थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक जगह पर क्रैम कर ली है और उतना ईजिली मतलब नेविगेट नहीं किया जा सकता है ऐप, तो अगर आप पहली बार ऐप यूज़ कर रहे हो आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे। एंड काफ़ी लाइक पुराने टाइप का UI है उनका, सो UI को एटलीस्ट अपडेट करना चाहिए सोनी को और थोड़ा और यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहिए ऐप को। अपार्ट फ्रॉम दैट, साउंड क्वालिटी में आपको जो है कोडेक्स वगैरह मिलते हैं, जैसे कि सोनी का आपको प्रोप्राइटरी LDAC कोडेक मिल जाएगा इसमें, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के साथ यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप जो है LDAC कोडेक यूज़ कर पाओगे। आईफोन में LDAC कोडेक सपोर्टेड नहीं है तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपका वो एक और चीज़ है जो है DSEE एक्सट्रीम, जिससे आपका म्यूज़िक को अपस्केल किया जाता है, ठीक है, ये भी एक कोडेक है जिससे आपका म्यूज़िक को जो है अपस्केल करते हैं सोनी, तो वो भी इसमें है। सो जिसमें आपका LDAC वगैरह सपोर्ट नहीं करेगा तो आप उसमें DSEE एक्सट्रीम ऑन करके रख सकते हो। आईफोन में वो AAC कोडेक के साथ काम करेगा क्योंकि आईफोन में वही एक कोडेक सपोर्ट करता है, एंड आपका इसके अलावा SBC कोडेक भी सपोर्ट करता है ये। मैं यूजली जो है LDAC के साथ ही यूज़ करता हूँ, तो LDAC यूज़ करने पे वो DSEE एक्सट्रीम बंद रहता है, तो LDAC के साथ काफ़ी जो है बढ़िया आपको
साउंड क्वालिटी मिलेगी, ऑलमोस्ट हाई रेस क्वालिटी का ऑडियो आपको मिलता है इसके साथ। सो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप एंड्रॉयड फोन के साथ यूज कर रहे हो तो LDAC जरूर यूज कीजिएगा, इसमें काफी डिफरेंस होता है उसमें म्यूजिक में। सो या ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी, म्यूजिक क्वालिटी एंड मूवीज वगैरह देखने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है इसमें। नेक्स्ट इसके जो है कुछ फीचर्स हैं, इसमें मल्टी पॉइंट सपोर्टेड है ब्लूटूथ में, ठीक है। सो ब्लूटूथ 5.3 इसमें आता है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन सपोर्टेड है फाइनली। XM3 XM4 किसी में भी नहीं था, इसमें इन्होंने फाइनली दिया है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। आप किसी भी डिवाइस के साथ जो है एक साथ इसे पेयर कर सकते हो किसी भी दो डिवाइसेस के साथ, और ये सीमलेसली स्विच हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। एक में कॉल आता है तो दूसरे में आपका म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा और कॉल जो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा उसमें। बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आई थिंक 1-2 सेकंड का डिले है इसमें स्विच में, इंस्टेंट नहीं है एयरपॉड्स या फिर किसी सम अदर ईयरबड्स के जैसे, बट या और ब्लूटूथ कनेक्शन यूजली काफ़ी स्ट्रांग रहता है, उतना तो इश्यूज़ नहीं हो। बट अगर आप जैसे मल्टीपल ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्टेड रखते हैं अपने फ़ोन वगैरह के साथ, जैसे मेरा स्मार्ट वॉच कनेक्टेड रहता है, तो उस टाइम पे ये थोड़ा ब्लूटूथ का इशू आपको मिलेगा इसमें। म्यूजिक जो आपका बीच बीच में कट जाएगा, ठीक है, स्किप होता है म्यूजिक, तो आई थिंक ये प्री प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर का इशू है, बट आई एम नॉट श्योर। तो थोड़ा मुझे ब्लूटूथ का इशू लगा, और डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है ब्लूटूथ का, तो मैं अपने रूम से जो है किचन तक जाता हूँ तो ये थोड़ा डिस्कनेक्ट होने लगता है। नेक्स्ट इज दैट ये ईयरबड जो है आपके IPX4 रेटेड हैं, तो आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हो इसे पहन के और इसमें पसीना वगैरह गिरता है, हल्का फुल्का पानी का छींटा पड़ जाता है, तो इसे कुछ नहीं होगा, तो आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हो वर्कआउट वगैरह के टाइम पे। अगली चीज़ ये है कि इसका जो कॉल क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है कम्पेयर टू द XM4। तो अभी इसमें आई थिंक टोटल 6 माइक्स है दोनों ईयरबड्स में, 3 माइक्स है, जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, एंड इनका जो है कॉल के टाइम पे आपका जो है बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करने में काफ़ी हेल्प होता है। इनका एक नया सेकेंडरी इन्होंने चिप डाला है इसमें जो इसी चीज़ के लिए काम करता है ये, तो उससे आपका थोड़ा कॉल क्वालिटी अच्छा हो जाता है। एंड अनदर थिंग, इन्होंने अभी जो है बोन कंडक्शन इसमें यूज़ किया है कॉल क्वालिटी के लिए। सो आप जब जो है बात वगैरह करते हो, आपका जो है बोन आपका जॉ का वाइब्रेशंस वगैरह से आपका कॉल स्पीच को थोड़ा एनहांस करता है। तो सारी चीज़ें फीचर्स हैं, कॉल क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई दूसरी पार्टी से जब भी मैंने कॉल लिया है इन पे, सो वो एक अच्छी बात है। ओके आप जो ये ऑडियो सुन रहे हो ये आपके XM5 के माइक से रिकॉर्ड हो रहे हैं, सो दिस इज़ हाउ द माइक साउंड्स। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि इसमें जो है आपको गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है ब्लूटूथ के पेयरिंग में। सो आप जैसे लिड खोलोगे ये आपका एंड्रॉयड फ़ोन में जो है पॉपअप देगा पेयर करने के लिए, आईफोन्स में आपको रेगुलरली जो है इसे वो बटन प्रेस करके पेयर करना पड़ेगा, बट बाकी सब फोन्स में एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपको जो है गूगल फास्ट पेयर से बहुत जल्दी पेयर हो जाता है ये XM5 ईयरबड्स। और ये हाँ ऐसे साउंड करते हैं इसके माइक्स, आप जज कर लीजिए खुद ही, अनप्रोसेस्ड रहेगा टोटली ऑडियो। एंड इसमें एक जो है स्पीक टू चैट का फीचर आता है, जिससे अगर आप एक्टिवेट करते हो तो जब आप म्यूजिक सुन रहे हो और आपसे कोई बात करने आता है सो आप बात करना चालू करते हो तो ये ऑटोमेटिकली म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर देगा और ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन कर देगा। बट वो काफ़ी गिमिक है, लाइक जब आप कोई गाना सुन रहे हो आपका फेवरेट गाना और आप उसके लिरिक्स गा रहे हो साथ में, तो उस टाइम भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है कभी कभी, तो थोड़ा अनोइंग होता है, तो मैंने उसे बंद ही रखा है। एंड अनदर थिंग इज दैट आप जो है लेफ्ट ईयरबड पे जो है अगर ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ये उसमें भी वो स्पीक टू चैट वाला ऑप्शन आपका एक्टिवेट होता है। ये थे कुछ फीचर्स एंड ऑल। और अगर हम जो है बैटरी लाइफ की बात कर लें इसकी, सो मुझे जो है अराउंड मैं एक हफ्ते में इसे एक ही बार चार्ज करता हूँ, तो एज पर सोनी अराउंड 8 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिलना चाहिए ANC के साथ, जो कि मुझे मिलता है मोस्टली मुझे 8 घंटे के अराउंड ही मिलता है। और इसका केस जो है इसे 2 बार कम्प्लीटली चार्ज कर सकता है आफ्टर 2-8 आवर्स ऑफ यूजेज, सो टोटल अराउंड 24-25 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा, विच इज़ नॉट दैट गुड। 40-45 घंटे वाले ईयरबड्स भी आते हैं, बट या इसमें आपको 24 घंटे तक का मिलता है, विच इज़ फाइन आई वुड से, क्योंकि इसमें चार्जिंग काफ़ी क्विकली हो जाती है, इसमें क्विक चार्ज का भी ऑप्शन है, जिससे कि आप जो है 10 मिनट चार्ज करोगे तो अराउंड 4 घंटे का आई थिंक आपको जो है यूजिबिलिटी मिलेगा इनमें से, विच इज़ प्रिटी गुड। एंड ये यूजली काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाते हैं, और अगर आप वायरलेस चार्जिंग भी यूज़ करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है अराउंड 2-2.5 घंटे के आसपास, बट ये चार्ज हो जाते हैं, एंड वायर्ड से अराउंड 1.5 घंटे के आसपास चार्ज हो जाते हैं कम्प्लीटली, सो वो काफ़ी बढ़िया है। एंड ओवरऑल अगर अब मैं इस 25,000 के प्राइस के हिसाब से अगर मैं इसे जज करूँ तो ये ईयरबड्स काफ़ी अच्छे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपेयरिंग टू AirPods Pros या फिर Sennheiser Momentum, Bose QuietComfort 2
एंड ऑल दैट. सो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छे हैं, लाइक बेस्ट इन द क्लास आई वुड से. बट अब मैं कहूँगा कि आप ऑफर्स का वेट कीजिए, ऑफर्स में काफ़ी नीचे आते हैं. अभी आपको जो है XM फोर्स अराउंड 14-15 हज़ार का मिल जाता है. सो वो भी काफ़ी सिमिलर है इससे, बस कुछ थोड़े बहुत इधर उधर फीचर्स हैं, तो वो एक चीज़ है. एंड लास्टली ये कहूँगा कि आई लाइक रियली लाइक दम. सो इनका फॉर्म फैक्टर वगैरह ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बैटरी लाइफ डिसेंट है, नॉइस कैंसिलेशन तो नेक्स्ट लेवल है. तो 25,000 के हिसाब से आई वुड से दैट दीज आर वर्थ इट. बट ऑब्वियसली आप ऑफर्स का वेट कीजिए, आपको जो सस्ते में मिल जाएंगे ये. तो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उधर भी मैं जो है पोस्ट करते रहता हूँ उनके बारे में. सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए. एंड नोटिफिकेशन बेल का जो है दबा दीजिएगा ताकि मेरी और भी वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन आते जाए. सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. आई एम योर फ्रेंड शिन्नोबी एंड सरिंग आउट. प्लीज़.